तो दोस्तों, भोजपुरी के दो सुपरस्टार हीट मशीन खेसारी लाल यादव और पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह, इन दोनों का अभी हाल फिलहाल में विवाद चल रहा है। ये सबको जग जाहिर है और पूरी दुनिया को अब नज़र कहां कहां विवाद हो रहा है, लेकिन भोजपुरी के हीट मशीन और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का विवाद आप लोगों को सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन इस विवाद में फैंस किसको ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आज की इस रिपोर्ट में आप लोग देख पाइएगा। तो पूरा रिपोर्ट देखिएगा दोस्तों, आप लोग रिपोर्ट देखिएगा तभी समझ में आएगा कि आखिर इस दुनिया में खेसारी लाल यादव या पवन सिंह फेमस हैं और ज़्यादा व्यूज किसका आता है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों चलिए बताते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जहां पर भोजपुरी के हीट मशीन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को देखने के बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि इस विवाद में फैंस विवाद को देख रहे हैं या गाना को देख रहे हैं। सबसे पहले हम पवन सिंह को लेते हैं। पवन सिंह का 28 दिनों का रिपोर्ट कार्ड YouTube ने जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में, भारत और बिहार झारखंड में नहीं, पूरी दुनिया में पवन सिंह को कितना गाना सुना जा रहा है और कितना मिलियन सुना जा रहा है, तो आप लोग देखिए 476 मिलियन, दो बार मैंने बोला 476 मिलियन पवन सिंह को सुना जा रहा है। अब इसको लॉक कर दीजिएगा। अब हम लोग ले चलते हैं पवन सिंह के, जो हमारे बेस्ट हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के, तो यहाँ देखिए 641 मिलियन, यानी 641 मिलियन पूरी दुनिया में खेसारी लाल यादव का दबदबा। यहाँ देख सकते हैं कि 200 मिलियन करीब पवन सिंह से ज़्यादा 28 दिन में खेसारी लाल यादव को सुना जा रहा है। यानी अगर विवादों में अगर देखा जाए तो खेसारी लाल यादव को लोग ज़्यादा और बेहद पसंद कर रहे हैं। आप किसके फैन से कमेंट करिए और इस रिपोर्ट के देखने के बाद, YouTube का जारी रिपोर्ट देखने के बाद क्या कहना है, एक कमेंट तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।